हेलो गाइस, माय सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ वर्किंग ऑफ कलर टीवी पार्ट थ्री। आज मैं आपको बता रहा हूँ वर्किंग ऑफ कलर टीवी पार्ट थ्री। तो आज मैं आपको बताऊंगा कलर टीवी के ये सर्किट जो आपको लेआउट मैंने आपको रीड करना बताया था। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट दिखाऊंगा क्या कहाँ कहाँ कौन से लगे हुए हैं। ठीक है जी, जो आपने बात पूछनी होगी आप मेरे से साथ साथ पूछते जाना। तो यहाँ से ये आपकी मेन लीड है, ये मेन लीड है ये। ठीक है, ये आपका ये फ्यूज लगा हुआ है, ये इसका फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिकोजिंग कॉइल को जाती है क्योंकि ये किट अलग से पड़ी है, इस करके मैं आपको दिखा नहीं सकता डिकोजिंग कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। ये आपका जो है ये लाइन फिल्टर है, ये लाइन फिल्टर है, इसकी दो तारें ये, दो तारें ये। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली तो इसमें लगी हुई है 4 ओम की लगी हुई है। ठीक है, वैसे लगी होती है 4.7 ओम की। ठीक है, इसमें ये लगी हुई है, ये उसके बाद लगा हुई है आपके जो डैड लगे हुए हैं ये वाले। तो ये डैड आपका 1 2 3 4 और साथ साथ ये पेपर कंडेंसर ये वाले लगे हुए हैं। ये पेपर कंडेंसर ये ब्रिज वे, हाँ जी, एक पेपर कंडेंसर ये लगा हुआ है। ठीक है, और ये उसके बाद ये आपका ये यहाँ पे PTC लगा हुआ है, ये PTC है। ठीक है, ये आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है ये वाला, ये वोल्टेज जो बन रही है 150 वोल्ट 400 वोल्ट का ये वाला। यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये जो ट्रांसिस्टर लगे हुए हैं ये आपके 1 2 3, तो इसमें जो आपके ये लगा हुआ है ये इसको ये जो आपका है फर्स्ट ड्राइवर है ये वाला, ये फर्स्ट ड्राइवर है, ये लिखा हुआ ना Q902। जी सर। सर ये Q902C809 ऐसे लिखे हुए R, तो ये सब ऐसे क्यों लिखे होते हैं सर? अब देखो इसमें भी सर्किट में भी इसमें लेआउट में लिखा हुआ है ये Q902, आगे ट्रांसिस्टर का नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये ड्राइवर वन है। ठीक है, तो ये ड्राइवर वन ये रहा। तो पर इसमें क्या होता है कि जो प्लेट होती है ना उसमें सिर्फ सर्किट रीड करने के लिए आसानी रहे तो इसमें Q900 लिखा हुआ है, R915 है। ठीक है, प्री सेट के लिए शॉर्टकट लिखा है PR901। ठीक है जी, तो इससे क्या होता है कि सर्किट ट्रेस करते हैं इसमें वो यहाँ पे वो लिखा नहीं होता कि वे कितने ओम की रेजिस्टेंस लगी है और कौन सा ट्रांसिस्टर लगा हुआ है। यस सर। ठीक है, वो तो हम सर्किट में ट्रेस करते हैं, इस करके इसमें सब में ये लिखा होता है। तो ये उसके बाद फिर आपके ये आपकी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये यहाँ ये आपका कंडेंसर है, उसके बाद ये पेपर कंडेंसर लगा हुआ है, ये जनरेटर लगा हुआ है, ये वाला जनरेटर आपका। यस सर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 1 2 3 ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये एक ट्रांसिस्टर लगा हुआ है। मैंने आपको ये बताया था, ये आपका ये हो गया ट्रांसिस्टर, उसके बाद ड्राइवर, ये आपका ड्राइवर टू हो गया, और ये आपका ये जो है एक ट्रांसिस्टर है। ठीक है, एक डिटेक्टर, एक डिटेक्टर। ठीक है, और ये इधर से ये इसका प्री ये लगा हुआ है आपका जो आप ये हीट सिंक लगा हुआ है, और ये आपका लगा हुआ है ये वाला ट्रांसिस्टर आपका मेन, ये स्विचिंग ट्रांसिस्टर, स्विचिंग ट्रांसिस्टर भी कहते हैं, पावर ट्रांसिस्टर भी कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद ये SM ट्रांसफार्मर है ये वाला। जी सर। ठीक है, ये प्रीसेट लगा हुआ है, ये प्रीसेट लगा हुआ है, ये देखो ये प्रीसेट। ठीक है, मैं आपको इस करके कंपोनेंट दिखा रहा हूँ यहाँ से इस साइड से, ये जो न्यू कमर है उसको पहले सर्किट रीड करना आ गया तो उसको ऐसे ये देख लेगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको वोल्टेज नापने में बता दूंगा कैसे कैसे वोल्टेज नापते हैं, क्योंकि फिर उसमें हम आपको दोनों में तरफ डालेंगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी बात। ठीक है सर। तो पार्ट्स में तभी डाल रहे हैं, तो ये आपका ये रिश्तें लगी हुई है, ये इसमें रिश्ते में यहाँ लिखा भी हुआ है जगह जगह पे, तो ये कौन सी रिश्तें है, जैसे 27 ओम है इसमें, इसे ये यहाँ पे लगी हुई रिश्ते लगी हुई है ये, तो इसमें आर करके पता करना पड़ता है, जैसे ये 10 ओम की रिश्ते लगी हुई है, तो इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू का फर्क आता है जो सर्किट में इसमें आ रहा है। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये इसकी आपकी प्राइमरी है ये सारी। ठीक है। यस सर। तो और ये आपकी इसकी एंट्री आ गई है, जिसकी एंट्री में ये रिश्ते लगी हुई है, ये आपकी ये अच्छा है, ये आपका ये रह गया था, ये बीच में जो रिश्ते लगी हुई है मीटर से 0.33 ओम की, तो ये यहाँ पे लगी हुई है ये 0.33 ओम की ये वाली, सॉरी ये 0.33 ओम की रिश्ते लगी हुई है, ये जो आपके जो है रिश्तेंस ये तो दूसरे इसमें ये लगी हुई है ये वाली। यस सर। ये आपकी 39 ओम 5 वाट की, ये आपकी सेकेंडरी में है, तो ये सेकेंडरी स्टेज है सारी, ये आपका ये जो आपका ये रिले लगी हुई है, जब इसको हम कमांड देंगे, ये जनरेटर लगा हुआ है, ये जनरेटर ये वाला। यस सर। ये जनरेटर है ये वाला, सर ब्लैक वाला जनरेटर है। हाँ जी हाँ, ये इसकी कॉयल है ये वाली, ये कॉयल है। ठीक है,
और ये आपका कंडेंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, ये वाला कंडेंसर, ये यस वाला, सर। ये सो यूएफ, ये वाला कंडेंसर है। तो मैं आपको इस करके इस तरफ से रीड करना बता रहा हूँ कि भी आपको पहले मैंने लेआउट बताया दिया था, जिसको लेआउट रीड करनी आ जाएगी तो उसको पता चल जाएगा। मैं कंपोनेंट के सिर्फ नाम आपको बता रहा हूँ इसमें, यस सर, इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में मैं आपको वोल्टेज आपने बताऊंगा भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ वोल्टेज आती है, यस सर। ठीक है, तो इतना आपको और कोई इसमें आपने सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं आप। सर आपने अभी कहा कि ये जीनर डेड है, ये इलेक्ट्रिफाइड की तरह शोर है, नहीं ये रेक्टिफाइड डैड नहीं है, ये जीनर डैड है। इसमें आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर्किट में, ये डी, ये आपका लिखा हुआ है 804, ये डी 804 है ना, ये देखो यस सर। पर इसमें 120 वोल्ट नहीं लिखा होता, तो ये देखने में रेक्टिफाइड डैड की तरह लग रहा है पर ये जीनर डैड है, यस सर। ठीक है, ये जीनर डैड है ये। तो ये अब ये कॉयल है, अब ये इसमें कॉयल है, देखने में कॉयल नहीं लग रही है, ऐसे तो कोई कहता है इसको कंडेंसर तो कहेगा। बहुत से ऐसे कंपोनेंट है जो दिखते हैं वो है नहीं, ये रिले है ये वाली, यस सर। ठीक है जी, राइट सर। हाँ जी, तो मैंने आपको ये आपको बता दिया है लेआउट में प्रैक्टिकली कंपोनेंट कहाँ कहाँ कैसे लगे होते हैं। तो जिसको लेआउट रीड करना आ जाएगा तो मैंने आपको कंपोनेंट मेजर मेजर आपको तो इसमें बता दिए हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको वोल्टेज नाप के बताऊंगा कि कैसे कैसे वोल्टेज कहाँ कहाँ नापते हैं। तो आपको ये इस साइड से आपको क्लियर हो गया कि आपको कंपोनेंट कैसे नापते हैं, आपको सर्किट रीड करना बता दिए मैंने। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको वोल्टेज नापने बता दूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कलर टीवी की बहुत डिमांड आ रही थी कि आप कलर टीवी की वीडियो डालो, तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कलर टीवी की फॉल फ्रेंडिंग की आप मेरे से बाद में आप मेरे से पूछना, क्योंकि लोग बाद में फॉल फ्रेंडिंग के लिए पहले मेरे से डालने लगेंगे कमेंट्स। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आप जरूर मेरे से फॉल फ्रेंडिंग के बारे में पूछें। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।